ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत की तरफ से लगभग 8.5 मिलियन डॉलर के उपकरणों की पहली खेप ईरान के इस बंदरगाह पर पहुंची। ये पहली बार हो रहा है जब 100% के साथ बंदरगाहों में विदेशी निवेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। मोबाइल हार्बर क्रेन के सौदे में 2 क्रेन चाबहार भेजी गई। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बंदरगाह और जलमार्ग मामलों के मंत्रालय ने बताया कि 6 मोबाइल हार्बर क्रेन के सौदे में से शुरुआती 2 क्रेन चाबहार भेज दी गई हैं। दोनों क्रेन इटली के मारघेरा बंदरगाह से आई थी, उन्हें चाबहार के लिए रवाना कर दिया गया। हर एक क्रेन की 140 मीट्रिक टन माल उठाने की क्षमता है। आपको बता दें कि हाल ही में बंदरगाह के इस्तेमाल को लेकर भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और भारत इस परियोजना से किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान को भी जोड़ना चाहता है, क्योंकि यहां ऐसा करने से इन देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनसे इनके बीच व्यापार की आवाजाही हो सकेगी। वैसे तो ईरान में एक और बंदरगाह है, लेकिन ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इन प्रतिबंधों का असर बंदरगाह पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते इस बंदरगाह की जगह पर ये देश चाबहार को इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। आइए आपको बता दें कि भारत के लिए आखिरकार चाबहार बंदरगाह क्यों जरूरी है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह के चलते भारत को मध्य एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं होगा, खासकर अफगानिस्तान और रूस से भी भारत का जुड़ाव बेहतर हो जाएगा। चाबहार के खुलने से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बड़ा सहारा मिलेगा। इस बंदरगाह के जरिए भारत अब बिना पाकिस्तान गए ही अफगानिस्तान और फिर उससे आगे रूस और यूरोप से जुड़ सकेगा। अभी तक भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था। भारत और ईरान के बीच ये समझौता 23 मई 2016 को हुआ था। पहले चरण में भारत चाबहार बंदरगाह पर उपकरण भेज रहा है और वहां पे मशीनीकरण कर रहा है, जिसके बाद वहां की गतिविधियों का संचालन भी करेगा। नवंबर 2016 में क्षेत्रीय चाबहार के महत्व के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 1.10 लाख टन गेहूं से भरा पहला जहाज इसी बंदरगाह के रास्ते भेजा था। भारत ने अपनी पहल को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर महीने में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा की थी, जिसमें पीएम मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच वर्चुअल समिट हुआ था। दोनों नेताओं की इस बैठक में चाबहार बंदरगाह को लेकर चर्चा हुई थी। बेशक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते बीच में भारत की तरफ से चाबहार बंदरगाह को लेकर कुछ हिचकिचाहट दिखनी शुरू हुई थी और फिर चीन का भी प्रभाव ईरान और चाबहार बंदरगाह के आसपास दिखने लगा, लेकिन भारत ने वक्त रहते सब कुछ संभाल लिया है और ईरान और चाबहार बंदरगाह को लेकर अपनी सक्रियता भी तेज कर दी है।